हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लो फिश इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के बारे में। सो ब्लो फिश इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को एज ए रिप्लेसमेंट देखा जाता है DES या IDEA के एल्गोरिदम्स पे। सो दिस इज आल्सो एन सिमेट्रिक की एल्गोरिदम। तो सिमेट्रिक की एल्गोरिदम होता है जिसमें सेम की का यूज़ किया जाता है। बट इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट ब्लो फिश इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इंक्रिप्ट्स अ 64 बिट ब्लॉक विद वेरिएबल लेंथ की। अब इसमें जो की लेंथ होती है वो वेरिएबल ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 64 बिट के ब्लॉक को करता है, यानी ब्लॉक साइफर है सबसे पहली बात, और वेरिएबल लेंथ की को हम यूज़ करते हैं। सो जो इसमें की लेंथ होती है जनरली उसको हम लेते हैं 32 से 448 बिट्स की। सो 32 से 448 बिट्स की को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लोफिश एल्गोरिदम। इसको डेवलप किया था ब्रूस श्नाइनर ने, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो थी ये बहुत फास्ट था ब्लोफिश एल्गोरिदम। देन कॉम्पैक्ट का मतलब होता है दैट इट कैन एग्जीक्यूट इन ए वेरी लेस मेमोरी। सो एग्जीक्यूट इन लेस मेमोरी, ठीक है। देन इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपल का मतलब है इसमें सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस का यूज़ होता है, जैसे कि XOR, एडिशन। सो ऐसे बहुत सिंपल ऑपरेशंस का यूज़ है। देन इट इज़ मच सिक्योर देन द प्रीवियस सिमेट्रिक की एल्गोरिदम्स, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल लेंथ की का यूज़ करते हैं, और वो वेरिएबल लेंथ की अप टू 448 बिट्स तक जा सकती है। सो फास्ट का मतलब हो गया वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन। तो बहुत, ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई। सो अगेन मैं इसको अगर समराइज करूँ ब्लो फिश को, तो क्या होगा, दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम डेवलप्ड बाय ब्रूस श्नाइनर विद दी प्रॉपर्टीज ऑफ फास्ट, कॉम्पैक्ट, सिंपल एंड सिक्योर। एंड इट इज़ यूज टू इंक्रिप्ट अ 64 बिट ब्लॉक विद वेरिएबल लेंथ की, वेयर द लेंथ ऑफ द की कैन रेंज फ्रॉम 32 to 448 bits। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि ब्लोफिश होता क्या है। अब देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं। सो ब्लोफिश एल्गोरिदम के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें की जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं सब की जनरेशन। अब इसमें देखो, सब की जनरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास कीज़ हैं ये उसको दोबारा से इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर डाल के फर्दर जनरेट करता है। उसके बाद है हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन। सो दो सिंपल पार्ट्स होते हैं, सब की जनरेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। अब इनको हम डिटेल के अंदर देखते हैं। सो सब की जनरेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लोफिश एल्गोरिदम का, उसको देखो देखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कीज़ हैं वो रेडी होनी चाहिए बिफोर द इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हैपन्स, ठीक है। और की का जो साइज़ है वो हमने बताया 32 से 448 बिट्स तक होता है। सो बेसिकली जो की होती है उसको एक एरे के अंदर रखते हैं, लेट अस से K1, K2 up to KN, जहाँ पे K की वैल्यू होती है हमारे पास 1 से लेके 14 तक, ठीक है। और इस हर वर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 32 बिट्स की, ठीक है। सो मैक्सिमम देख लो कितना हो जाएगा, 32 into 14, वो आ जाएगा आपके पास 448 बिट्स। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई, K को भी हम एक एरे की फॉर्म में लेते हैं की को, और मैक्सिमम 14 वर्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें हर वर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 32 बिट की। इसके बाद हम एक पी एरे को इनिशियलाइज करते हैं। सो इनिशियलाइज अ पी एरे, और पी एरे होता है P1, P2 से लेके P18 तक, और हर एरे, हर वर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 32 बिट की, ठीक है। देन वी इनिशियलाइज 4 X boxes,
और हर एक्सबॉक्स की कैसे होता है S0 से लेके S255 तक, यानी Xbox 1 ऐसी Xbox 2 होगा, ऐसे हमारे पास चार एक्स बॉक्सेस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस जिसको हम बोलते हैं। और कितना होता है ये, ईच कंटेन 256 32-bit एंट्रीज़। सो 256 32-bit एंट्रीज़ हर एक्सबॉक्स की होती है, ठीक है। सो तीन चीज़ें इनिशियलाइज की हैं, इनिशियल कीज़ कर ली, पी एरे कर लिया और एक्स बॉक्सेस कर लिए। अब इसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं कि हर एक पी एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ देते हैं। मतलब पी एरे और एक्सबॉक्स इनकी वैल्यूज़ को हम लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को लिया जाता है हेक्साडेसिमल ऑफ पाई से। सो बेसिकली हम हेक्साडेसिमल फॉर्म यूज़ करते हैं पाई की टू इनिशियलाइज द वैल्यूज़। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन पार्ट कि हम जैसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, K1 से लेके K14 तक ले लिया, पी एरे ले लिया, चार एक्सबॉक्सेस ले लिए, और पी एरे और एक्सबॉक्सेस की जो वैल्यू है उसको हम कैसे कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ पाई से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक बिट वाइज और ऑपरेशन होता है, कैसे होता है, P1 का हम करते हैं P1 XOR K1 से, P2 का करते हैं P2 XOR K2 से। ये चलता है कब तक, जब तक देखो आपके पास K कितने, 14, यानी P14 का तो सिंपल हो जाएगा, किससे हो जाएगा, P14 का तो आप कर दोगे P14 XOR K14 से। अब इसके बाद K ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि K कितने, 14, बट P कितने हैं, 15, तो यानी P15 का दोबारा से किससे करोगे, XOR K1 से, ठीक है। P18 का फाइनली किससे होगा, P18 का XOR किससे होगा, K4 से। सो आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन P1 P2 और P18 तक की वैल्यूज हमारे पास यहाँ से मिल जाती हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली सब की को जनरेट करने के लिए भी हम ब्लोफिश का इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि अब आपको इसमें क्या लेना है, यू हैव टू टेक अ 64-bit प्लेन टेक्स्ट, और सारी इसकी जो बिट्स होंगी वो क्या होंगी, जीरो शुरू में, और इसको आपको भेजना है ब्लोफिश इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के पास, ठीक है। ब्लोफिश इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के पास आपको भेजना है, यहां से आपकी सब की जनरेट होती हैं, यहां से सब कीज जनरेट होती हैं, और उस सब की के जनरेशन में आपके पास ये P1 P2 जो आए हैं वो यूज होते हैं, और आपके एक्सबॉक्सेस का भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली सबकी जनरेशन यहाँ तक हम देखेंगे, इसमें कुछ आगे कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी हैं जिसको अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि ये जो प्लेन टेक्स्ट होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, लेफ्ट 32 बिट्स और राइट 32 बिट्स। देन वील रिप्लेस द वैल्यूज़ ऑफ P1 P2 विद दिस 32-bit वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्रिप्शन करके जो आपके पास 32 बिट मिली, 64 बिट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा ना, 32 32 में डिवाइड कर दो, एक 32 आप P1 से रिप्लेस कर दो, दूसरा 32 आप P2 से रिप्लेस कर दो, फिर दोबारा से आप जो साइफर टेक्स्ट है उसको ब्लोफिश इंक्रिप्शन में डालो, P1 P2 की नई वैल्यूज़ के साथ, फिर आपको एक साइफर टेक्स्ट मिलेगा, उसके 32 को P3 में डाल दो, एक को P4 में डाल दो। ये बार बार चलता है जब तक आपके पास सारे पी और एक्सबॉक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस नहीं हो जाती। बेसिकली सबकी जनरेट कब होती है, व्हेन ऑल द पी एंड एक्सबॉक्स वैल्यूज आर रिप्लेस्ड, ठीक है। इतना की जनरेशन के लिए इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं इसका इंक्रिप्शन का जो एल्गोरिदम है वो कैसे होता है, और इसमें जो फंक्शन यूज होता है फॉर इंक्रिप्शन वो कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ ब्लोफिश एल्गोरिदम, देखो कैसे होता है, ये हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट ऑफ 64 बिट्स, 64 बिट के डेटा को हम इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिया जाता है लेफ्ट पार्ट में,
32 बिट के, और राइट पार्ट में 32 बिट के। देन यहाँ पे एक एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो यूज़ होती है वो होती है P1 की वैल्यू जो होती है 32 बिट की, ठीक है। देन इसके आउटपुट को भेजा जाता है एक फंक्शन के पास जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लोफिश एल्गोरिदम का, सो उसको डिटेल में अभी देखेंगे हम। सो एक फंक्शन के पास जाता है, देन यहाँ से जो इसका आउटपुट आता है ये इसके साथ एक्सोर होता है, ये जो यहाँ की 32 बिट है, ठीक है। देन यहाँ का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इसके राइट पार्ट में चला जाता है, स्वैप हो जाता है। ये जो आउटपुट आया ये इस वाले पार्ट में जाके स्वैप हो जाता है, ठीक है। देन अगेन एक्सोर होता है, किसके साथ होगा, P2 के साथ होगा। सो P2 32 बिट। देन इसका आउटपुट अगेन भेजा जाता है किसके पास, फंक्शन के पास। फिर इसका आउटपुट एक्सोर होता है इसके साथ जो ऊपर से आया, अगेन इसके आउटपुट्स की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर दिया जाता है। सो ये चलता रहता है जब तक आपके फाइनल सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो जाते। सो देन आफ्टर दैट, मतलब कि आपके P18 तक ये जब तक सारे कंप्लीट नहीं हो जाते, आफ्टर दैट यू विल रिसीव, आफ्टर दैट यू विल रिसीव अ साइफर टेक्स्ट, और उस साइफर टेक्स्ट की कितनी बिट होती है, 64 बिट्स, ठीक है। सो दिस इज द इंक्रिप्शन प्रोसेस। डिक्रिप्शन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक साइफर है। सो होता क्या है, साइफर टेक्स्ट को आप उल्टा प्रोसेस करते हैं। साइफर टेक्स्ट को दो में डिवाइड करेंगे, P18 से पहले करेंगे, कब तक जाएंगे, जब तक P1 से ना कर दें, तो आपको फाइनली आउटपुट प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। अब इसमें हमें जो मेन देखना है वो है इसका फंक्शन, ठीक है, कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। सो नाउ दिस फंक्शन, सो हम लिख सकते हैं ब्लोफिश एल्गोरिदम फंक्शन, सो अब देखो क्या मिला हमें यहाँ से, इस 32 बिट पे करना है, यानी इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास x, सो x इनपुट गया, कितने बिट का था x, 32 बिट का था, इस फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन का हम डायग्राम अब बना रहे हैं। सो इस 32 बिट को 8-8 बिट के 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, सो 8 बिट्स। सो इस 8 बिट को भेजा जाता है Xbox 1 के पास, ठीक है। देन दूसरी 8 बिट को भेजा जाता है Xbox 2 के पास, सिमिलरली तीसरे को भेजा जाता है Xbox 3 के पास, और फोर्थ को भेजा जाता है Xbox 4 के पास। अब आप देखो कि एक्सबॉक्स का जो यूज़ है वो फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा है, सो 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट मिलता है आपको 32 बिट का, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है, 32 बिट के अंदर इसको ये एक्सपेंड कर देता है सब्स्टिट्यूट करके। सो यहाँ से जो 32 बिट का मिलता है इसका एक्सोर होता है इसके साथ, सो 32 बिट, ठीक है, ये भी 32 बिट का ही होगा, यानी एक्सबॉक्स के सारे आउटपुट आपके 32 बिट के ही, आपको ध्यान रखना है। देन आपको उसमें करना है इसका आउटपुट इसके एक्सॉर के साथ, मतलब इसका और इसका हम एक्सॉर करते हैं, फिर इसका आउटपुट जो मिलता है और जो इसका है उसको हम एक्सॉर करते हैं, ठीक है। सो फाइनली हमें क्या मिलता है, एक 32 बिट का आउटपुट मिलता है, इसको अगर मैं बोलता हूँ वाई तो वाई हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस ब्लोफिश फंक्शन, सिंपल है, 32 बिट को 8-8 में कर दो, हर एक को एक्सबॉक्स से करो तो आपको 32 बिट का आउटपुट मिलेगा, और उसको दूसरे वाले एक्सबॉक्स का आउटपुट के साथ एक्सोर करते चलना है हमें,
पहले दो का XOR, आउटपुट को तीसरे से XOR, आउटपुट को चौथे से XOR, तो आपको फाइनली 32 बिट का आउटपुट मिलता है जो ये है। फिर इसको XOR करते हैं हम 32 बिट के राइट है पार्ट से जो कि प्लेन टेक्स्ट का है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने देखा ब्लोफिश एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी की जनरेशन के थोड़ा सा पार्ट देखा, देन वी हैव सीन द मेन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड द फंक्शन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, थैंक यू।